वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसी वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो अते नाल ही बैल आइकन जरूर दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। अते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, महापुरख इह गल दसदे ने कि कोई भी तकलीफ होवे, किते पीड़ हुंदी होवे, कोई बीमारी होवे, उत्थे हथ रख के एक घंटा सिमरन कर लवो, फर्क तुहानूं आप पता लग जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं बेनती करो, महाराज मेरे सिर उत्ते हथ रखो, जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हथ तुहाडे सिर ते हो जाएगा तां फिर कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी, सतगुर दी अपार किरपा हो जाएगी तुहाडे ते। इसे चीज नूं दुनिया भालदी है कि साडा कोई दुख कटे, तकलीफ कटे, सतगुर दी बाणी कटदी है। पर सतगुर जी दसदे ने कि दुख तां ही कटे जाने ने जे बैठ के कीर्तन सुनो, कथा सुनो, बाणी सुनो, सरोवर दे जल च इशनान करो, सरोवर दे पानी च सारी बाणी जांदी है जो पढ़ी जांदी है गुरद्वारा साहिब विच। साइंस वालियां नूं इस गल दा ज्यादा पता है कि पानी सब तो वध खिंचण दी शक्ति रखदा है। जदों गुरबाणी नूं पढ़िया जांदा है ओह सारी दी सारी बाणी सरोवर विच प्रवेश करदी है। श्री हरिमंदर साहिब विच 24 घंटे कीर्तन हुंदा ही रहिंदा है। उत्थे इस करके सरोवर विच पावर हो जांदी है। महाराज सच्चे पातशाह जी तां कहिंदे ने कि बख्शिश लैणी है ते इन्हां गल्लां ते विश्वास करके चलो, तुहाडे अंदर ताकत है पर तुसी इस ताकत नूं खराब कर दिंदे हो। बाणी पढ़ो ते सतगुर जी दी बख्शिश लवो। इस तरह है कि जदों भी पाठ करके हटो, नितनेम करन तों बाद उदों अपने मूंह ते हथ रखो, हथ फेरो, अपने सिर दे उपर हथ फेरो, उस दे नाल तुसी वेखोगे बड़ी किरपा हुंदी है। कोल जल रख लिया करो, फिर जल छक लिया करो, बड़ी किरपा इहदे विच वी वाहिगुरु दी। सो इस तरह करन नाल कोई नुकसान नहीं हुंदा, किरपा ही हुंदी है। जदों अपने कोल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है ने, कीर्तन है वे, बाणी भी है, नाम दान इशनान है, फिर किते होर जाण दी की लोड़ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत ताकत है, सानू सब कुछ इत्थों ही मिल जाना है। थां थां ते धक्के खाण दी कोई लोड़ नहीं, लोड़ है विश्वास दी ते इन्हां कुछ गल्लां दा ध्यान देण दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।